उत्तर कोरिया ने अपनी उत्तर पूर्वी तट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह इस साल उत्तर कोरिया द्वारा किए गए हथियारों के परीक्षण में से एक है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर कोरिया की ओर से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जिसको लेकर पड़ोसी देश अब अलर्ट हो गए हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की चेतावनियों को नजरअंदाज कर उत्तर कोरिया ने बीते अक्टूबर और नवंबर में भी दो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हाल ही में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनके देश का अंतिम लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति हासिल करना है। उन्होंने उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया लॉन्च में शामिल दर्जनों सैन्य अधिकारियों को बढ़ावा देते हुए ये बात कही थी। बता दें, कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य तनाव इस साल तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने नवंबर में अब तक की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल सहित कई हथियारों का परीक्षण किया था। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक यह मिसाइल पूर्वी तट इलाके वेनसान से दागी गई, जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जा गिरी। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की सेनाओं ने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के सामने खतरा पैदा करता है। आपको बता दें, इस वक्त किम जोंग उन रूस की यात्रा पर हैं और इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।